गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन से नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी की बुक में आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो किसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन सीख लेते हैं। इन विच एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट हमारा एक हो, चेंज इनटू जो रिएक्शन करने के बाद चेंज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, जो रिएक्शन करने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए जिसमें रिएक्टेंट, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो कोई भी जैसे वाटर है, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एक हमारा मॉलिक्यूल था, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया यानी रिएक्शन की गई, रिएक्शन करने के बाद ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जब कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसके अंदर तीन चीजें होनी कंपल्सरी है। क्या क्या? या तो उसके अंदर से हीट जो है वो इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जब या तो हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर निकलेगी या हीट अब्जॉर्ब कर दी जाएगी। दूसरा लाइट, या तो वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, लाइट की वहां पे जरूरत होगी, या अब्सेंस ऑफ लाइट होगी। किस किस चीज का इफेक्ट होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे? सबसे पहला इफेक्ट आएगा हीट, हीट के बाद लाइट, लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो थर्ड है वो है कैटलिस्ट। जब कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम करते हैं तो डीकम्पोजिशन, जब कोई रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटेगा, तो उसके अंदर किस चीज का इफेक्ट होगा? या तो हीट का इफेक्ट होगा, या लाइट का इफेक्ट होगा, सनलाइट या फिर टॉर्च लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होगा, या फिर कैटलिस्ट होगा। विदाउट हेल्प ऑफ दिस, इन चीजों को बढ़ाने या घटाने के अगर हम नहीं करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ हीट, यानी वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे हीट का इफेक्ट होगा। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे PbNO2 की NO3 की ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट जो होता है हमारा, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो ये देखो हमारा एक रिएक्टेंट था, हीट करने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे किस चीज का इफेक्ट हुआ? हीट का। एक एग्जांपल और हम लेते हैं जो हम करते भी हैं, मेटल और नॉन मेटल वाला रिएक्शन में लास्ट टॉपिक जो आपका आता है, यानी ऑब्टेनिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फेट, सॉरी, FeSO4 × 7H2O, ये हमें अर्थ क्रस्ट से आयरन का ओर प्राप्त होता है, इसको हम आयरन का ओर बोलते हैं, जो हमें डायरेक्ट अर्थ में खुदाई के दौरान अर्थ क्रस्ट से हमें इस रूप में प्राप्त होता है। इससे आयरन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये किस में बदल जाता है? FeSO4 प्लस जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट हम लेंगे FeSO4, इसको अगेन हीट करेंगे हम, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये रिएक्शन की जाती है। जब इसको हम अगेन हीट करते हैं तो ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो हमने सीखी, ये कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। सेकेंड जो हमारा पॉइंट था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
या फिर बाय द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट। ये अब तो शायद आप नहीं जानते होंगे, पहले जो टाइम था उसमें डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, उसमें वो एक रील वाला कैमरा जिसको बोलते थे उसका यूज किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, आपने सुना भी होगा या कई बच्चों ने देखा भी होगा, अगर उसको पीछे से हम ओपन कर देते थे तो जो सारे नेगेटिव जो पिक अंगेली है वो खराब हो जाते, ठीक है। तो दरअसल उसमें क्या होता था, ए जी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत होती थी जिसको हम रील के रूप में यूज करते थे। अगर इसको इसके अंदर सनलाइट आ जाती है, किसी भी सनलाइट का इफेक्ट अगर इसके ऊपर हो जाता है, तो इसमें जो हमारा सिल्वर है ये अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड का सिल्वर ये अलग हो। ये एक कॉमन सी रिएक्शन है जो आप जनरली तो जानते हो लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से नहीं जानते हो। ये जो रिएक्शन हुई यहां पर इफेक्ट किस चीज का हुआ, सनलाइट। That is a decomposition reaction by the effect of sunlight. जो लास्ट हमारा था, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आप 8th क्लास में पढ़ी, आपने 7th क्लास में पढ़ी है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पढ़ा होगा। तो वो जो रिएक्शन है वो क्या होती है, अपनी डीकम्पोजिंग रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि वाटर है, वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, देखो वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर नहीं बदलेगा। आपको पता है अगर वाटर को हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेंगे, इसमें से गैस अलग नहीं होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर वाटर लेंगे, इस वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देंगे ताकि एसिडिफाइड हो जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है आपने पढ़ा होगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इसको कंडक्ट बनाने के लिए इसके अंदर दो चार बूंदे हम एसिड भी डाल देते हैं। इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब रखेंगे उल्टी करके और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम दो कार्बन रोड रखेंगे, कार्बन रोड को हम बैटरी के साथ, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कंडक्ट करेंगे। यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको हमने कनेक्ट किया है वो बन गया हमारा कैथोड और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हमने वो बन गया हमारा एनोड। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू होगी तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगा और इस जो हमने उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रखी है इनके अंदर आपको गैस के बबल दिखाई देंगे और ये जो बबल्स होते हैं एक तो होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी जाएगी, एनोड पे कौन सी जाएगी, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी अलग अलग हो जाती हैं और बबल के रूप में हमें ये मिलते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की जो रिएक्शन होती है ये कॉमन सी रिएक्शन होती है जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि हम दूध को दही में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस उसमें एक कैटलिस्ट का काम करता है। दूध के अंदर जब लैक्टोबैसिलस मिल जाता है, लैक्टोबैसिलस पैदा होता है तो वो उसको दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है। या फिर एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, CH4 जो मीथेन होती है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं ग्रुप में के अंदर सेंड कर दूंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।